Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Effects of deforestation means what are the effect, क्या क्या असर होती है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है यानी कि जंगल कम हो जाते हैं, या तो ह्यूमन बींग्स की वजह से या तो नेचुरली कुदरती हो जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ती है। डिफॉरेस्टेशन इज नोन टू कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन लाइफ, एनवायरमेंट, नेचुरल फिनोमिनांस एक्सेट्रा। Some of the effect of deforestation are as follows. अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि environment पर, यानी कि हमारे पर्यावरण वातावरण पर फ़र्क पड़ता है। जो natural phenomenons होते हैं यानी कि कुदरती जो घटनाएँ घटती है उस पर भी असर करता है, हमारी life पे भी असर करता है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज इट कॉज सॉइल इरोशन एंड सॉइल डिस्ट्रक्शन, यानी कि सॉइल है वो बह जाती है, ड्रेन हो जाना, बह जाना यानी कि ड्रेन हो जाना, और डिस्ट्रक्शन विनाश ख़त्म हो जाती है, सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है उपजाऊपन है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। सेकेंड, इट इफेक्ट्स द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल तो आपने पढ़ा ही होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा कि पानी होता है, बड़ी बड़ी समुंदर नदियाँ उसमें से पानी एवोपरेट होता है ड्यू टू सनलाइट, फिर वो एवोपरेशन होकर वेपर्स बन जाती हैं, गैस फॉर्म गैसियस फॉर्म बन जाता है, जो हाइट पे जाने के बाद उसको जो है ठंडक मिलती है और वो कंडेंसेशन होता है, वेपर्स ही कंडेंस हो जाती है और उसके बाद जो है वो वाटर वेपर्स है वो वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वही वाटर वापस जो है अर्थ पर आता है बारिश के रूप में। तो इस सारे को हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल है उस पे भी इफ़ेक्ट होता है, पेड़ कम होंगे तो जो है बादल बनेंगे ही नहीं, कंडेंसेशन नहीं होगा और बारिश ही नहीं होगी। तो इस तरह से वाटर साइकिल पे इफ़ेक्ट करता है अगर जंगल फॉरेस्ट कम हो जाते हैं तो। थर्ड, इट कॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जंगल में हमें कई तरह के वैरायटीज ऑफ लाइफ देखने को मिलती है, तो वो ही जब जंगल ही नहीं रहेगा तो उसमें जंगल में रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सो मैनी थिंग्स, वो सब जो है विविधता, पेड़ पौधों में वो सब जो है विविधता है, डाइवर्सिटी यानी विविधता, और बायो मीन्स लाइफ, तो अलग अलग लाइफ जो हमें देखने को मिलती है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द टेम्परेचर। तो जो फॉरेस्ट होता है वो पेड़ की वजह से जो है टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, बराबर। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ही गर्मी हो जाएगी। तो इस तरह से टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए फॉरेस्ट भी चाहिए और हमें एटमॉस्फेयर भी चाहिए होता है, और फॉरेस्ट भी चाहिए होता है पेड़ पौधे, जिससे वो जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने देते नहीं है। तो इस तरह से जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो जैसे कि आपने देखा कि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो टेम्परेचर, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो साथ साथ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो दूसरे गैसेस की बढ़ जाएंगे, जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा पहले लेसन में भी कि व्हाट इज़ ग्रीन हाउस एंड व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस के गैसियस भी आपने देखे, जो
बहुत हार्मफुल नहीं होते, मगर जब वो बहुत बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो जाते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट नहीं होने की वजह से। ओके, नाउ इट कॉज फ्लड्स। तो फ्लड कैसे आता है? जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपने देखा था एनवायरनमेंट सेविंग अवर एनवायरनमेंट में, कि जब बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पोल्स पे जो बर्फ़ आइस फ्रीज है वो मेल्ट होने लगती है, और रिवर्स में फ्लड आता है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है और फ्लड आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट कॉज रिडक्शन इन रेन। बारिश नहीं होगी, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि वाटर साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाती है, और वाटर साइकिल नहीं बन पाती है, एवोपरेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, तो रेनफॉल भी नहीं होगा। तो रेनफॉल नहीं होगा तो रेन कम हो जाएगी, इट कॉज रिडक्शन, यानी कम होना, कम होना। इस तरह से रेन भी कम हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जंगल के बिना जो है पूरा एनवायरनमेंट है वो अनबैलेंस हो जाता है, और बहुत ही जो है हमें इसका एडवर्स इफेक्ट, यानी कि उल्टा परिणाम आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट कंजर्वेशन? मीन्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, बिकॉज विदाउट फॉरेस्ट लिविंग बींग इज नॉट एबल टू सर्वाइव। ओके, सो हियर इट इज़ मेंशन दैट एज वी नो दैट द फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर अवर सर्वाइवल एंड वी नीड टू सेव दैम। सेवरल मेजर शुड बी फॉलोड, लाइक वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट दैट इंक्लूड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। मीन्स फ्रॉम दिस लाइन दे आर सेइंग दैट वी शुड रिड्यूस द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट 3 RS, आपने 3 RS पढ़े हैं, रिड्यूस, दैन रिसाइकल एंड रीयूज। तो हमें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को, फॉरेस्ट के जो सारी चीज़ें हैं उसको कम से कम मिनिमाइज करना चाहिए, यानी कि कम से कम यूज़ करना चाहिए, इकोनॉमिक यूज़ करना चाहिए, इकोनॉमिकली, यानी कि बहुत ही ज़रूरत हो उतना ही, तो ही हमारे लिए जो है जीना जो हम जी सकेंगे। क्योंकि फॉरेस्ट वो हमारे लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जीवन के लिए। ओके, नाउ सेकेंड इज मेक पीपल अवेयर ऑफ द कॉज एंड कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पीपल को जो है इसके एडवर्स इफेक्ट है, इसका क्या परिणाम आता है कि फॉरेस्ट अगर नहीं रहेंगे तो हमारा क्या जो है परिणाम आएगा, वो बातों से उन्हें अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, तो ही वो फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे और फॉरेस्ट का कंजर्व करेंगे, उसको बचाएंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अवेयरनेस लानी चाहिए पीपल में। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एंड एनकरेज रिसाइकल एंड रीयूज। तो यहाँ पे जैसे आपने 3 RS पढ़ा था, तो रिड्यूस तो हमने देख लिया कि मिनिमाइज करना चाहिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट को। सेकंड है रिसाइकल, जो जो चीज़ें होती है उसको हम वापस उपयोग करें। ओके, तो इस तरह से जो है हमें नई चीज़ों को नहीं लेना पड़ेगा, और जो है चीज़ें उसी का फिर से उपयोग करें, तो हमें फॉरेस्ट को हम बचा सकते हैं। और रीयूज़, यानी कि जो चीज़ें हैं उन्हीं में से कुछ नया बनाकर जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करना।
एक ही चीज़ को वापस यूज़ करना। तो इस तरह से भी हम लोग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को कम करके जो है फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। तो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए और लोगों को अवेयर भी करना चाहिए ये बातों से। इस्टैब्लिश पार्क टू प्रोटेक्ट रेन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ऐसे बड़े बड़े सेंचुरीज बनाने चाहिए जहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ रह सके, उनके लिए फॉरेस्ट जो है हम बनाए रखें। और रेन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पे बहुत बारिश होती है वहाँ पे जो घने जंगल होते हैं उनको कहते हैं रेन फॉरेस्ट। तो ऐसे रेन फॉरेस्ट को हमें बचाए रखना है, और अगर वो रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ यानी कि उसमें जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो भी बच सकेंगे। ओके, रिस्टोर द डैमेज इकोसिस्टम एक्सेट्रा। Various government schemes have been launched to encourage afforestation. Okay, अब यहाँ पे restore the damaged ecosystem means क्या? तो ecosystem में आपने देखा ही है कि बहुत सारी living things होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर depend करती है। तो यहाँ पे जब कभी कभी ये deforestation की वजह से, climate की वजह से, या कोई naturally जो है प्रॉब्लम आती है एनवायरनमेंट में, तो अनबैलेंस हो जाता है इकोसिस्टम। तो जो अनबैलेंस हो जाता है उसको फिर से जो है हमें बनाना है, रीस्टोर करना है, वापस हमें ऐसे करना है कि टेम्परेचर को बैलेंस रखना है, फॉरेस्ट को बनाए रखना है, नेचुरली फिनोमिना जो अच्छे से हो, एनवायरनमेंट अच्छे से बनाना है, तो अपनी आप ही इकोसिस्टम है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम रिस्टोर कर सकते हैं इकोसिस्टम को। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम ऐसी लॉन्च करनी चाहिए, ऐसी लागू करनी चाहिए जिसमें है एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ को नहीं काटना और पेड़ों को बढ़ावा देना, पेड़ों को लगाना, जंगलों को जो है और प्रोटेक्ट करना, सेव करना, उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। तो ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम आनी चाहिए जिससे जंगलों को और बढ़ावा मिले। तो इस तरह से फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इस चिपको मूवमेंट। अब इसमें क्या है कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक बार चिपको नाम का एक मूवमेंट आंदोलन हुआ था। वो किसने किया था, कब किया था, कौन लोग थे, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया है। तो इस एग्जांपल से आपको ये समझाया है कि हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना चाहिए, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन करने के लिए लोगों ने आंदोलन भी किए थे। ओके, द चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन वॉज प्राइमरली ए फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट दैट क्रिएट अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड एंड एनकरेज पीपल टू फाइट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। इट वॉज स्टार्टेड इन 1972 इन द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बाय सुंदरलाल बहुगुणा एंड एनवायरमेंटलिस्ट। दिस मूवमेंट एम्ड टू सेव ट्रीज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर हु वांटेड टू कट डाउन ट्रीज फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। द लोकल ड्वेलर्स हग द ट्रीज एंड सेव्ड देम। सिंस देन वेरियस सच पॉलिसीज हैव बीन अडॉप्टेड एंड एक्सिक्यूटेड। मतलब यहाँ पे चिपको मूवमेंट में होने के बाद और कई ऐसी पॉलिसी आई जिससे कि फॉरेस्ट को बचाने के कार्यक्रम हुए। तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट है उसको चिपको आंदोलन भी कहा गया है। तो ये इसका मेन पर्पस, मेन हेतु क्या है,
प्राइमरली मतलब प्राथमिक, उसका क्या है हेतु, एम क्या था। अवेयर वर्ल्ड वाइड एंड एनकरेज पीपल टू फाइट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जागृति लाए पूरे विश्व में और तो और डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटने से रोका जाए। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ था 1972 में, तेलरी डिस्ट्रिक्ट था उत्तराखंड का, किनके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जो एक पर्यावरण को रक्षा करने वाले ये व्यक्ति थे, एनवायरमेंटलिस्ट मतलब के पर्यावरण को, वातावरण को जो केयर करते हैं उनको कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। तो ये मूवमेंट का एम यही था कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ पे पेड़ों को काट कर जो मकान या बस्ती बनाना चाहते थे, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के सामने उन्होंने पेड़ को क्या किया, जो है हग कर लिया। वहाँ के लोकल पीपलों ने, ड्वेलर्स यानी कि वहाँ के लोकल पीपलों ने हग करके पेड़ को पकड़ कर उन्होंने पेड़ को काटने से बचा लिया जो कॉन्ट्रैक्टर काटना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने जो है जंगल को बचाया। और उसके बाद से कई ऐसी नीति, कई ऐसी पॉलिसी बनी और उनको लागू भी किया गया और इस तरह से जंगल को बचाने के कार्यक्रम होते गए। तो हमें भी जंगलों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए।